नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है बिल्कुल एक D SSSB के लेटेस्ट अपडेट के साथ। आज है 26 फरवरी 2019। अभी तक दो नए नोटिस जारी हुए हैं D SSSB की तरफ से। एक पोस्ट कोड का रिजल्ट जारी किया गया है और एक पोस्ट कोड की भर्ती रद्द कर दी गई है। पता नहीं दोस्तों ये रिक्रूटमेंट निकालते ही क्यों है, अगर इनको रद्द ही करनी है। बाकी ठीक है, जो भी है जैसी भी है न्यूज है तो आप तक पहुंचानी है। तो देख लेते हैं किस पोस्ट कोड की भर्ती रद्द की गई है और किस एक पोस्ट का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है D SSSB की तरफ से। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। हमेशा की तरह D SSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पे ये नोटिस अवेलेबल कराए गए हैं। सबसे पहला जो है ये रिजल्ट नोटिस नंबर 356 है, PGT हिस्ट्री फीमेल, पोस्ट कोड 113/17, इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों PGT हिस्ट्री फीमेल का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, पोस्ट कोड है 113/17। जो इसमें कुल पद थे 113, कुल पद अनरिजर्व के 55, ओबीसी 29, एससी 19, एसटी के 10 और इसी में शामिल है फिजिकली हैंडीकैप में OH के 2 और VH का 1 पद। तो अब इनका रिजल्ट कर दिया गया है जारी। जो कैंडिडेट ने Tier 1 एग्जाम दिया था और उसके बाद ईडोजियर के माध्यम से अपने जो थे डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, तो उन सब के मद्देनजर उनको देखते हुए अब ये फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो ये देख लीजिए रिजल्ट, अनरिजर्व कैटेगरी से ये हैं 53 कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ रोल नंबर दर्शा दिया गया है, पद थे अनरिजर्व में अपने 55, तो 53 का यहाँ आ गया है और एक ये निकल गया है अनरिजर्व PH फिजिकली हैंडीकैप में OH कैटेगरी का, तो 54 हो गए हैं। हो सकता है एक वेटिंग में हो तो वो भी आगे देखेंगे। ओबीसी कैटेगरी से ये देखिए 22 रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं, यहाँ ये रोल नंबर है। जिस भी कैंडिडेट का ये रोल नंबर है उनको बहुत बहुत मुबारक हो। ये 29 थे, इसमें ये 22 का तो यहाँ आ गया है। बाकी एक ओबीसी से ये निकल गए हैं फिजिकली हैंडीकैप के कैंडिडेट है। और एससी कैटेगरी से ये 18 कैंडिडेट हैं जिनका रोल नंबर जारी किया गया है। एसटी कैटेगरी के 9 कैंडिडेट हैं लिस्ट में, तो इस हिसाब से इनका हो गया है सिलेक्शन। इसके बाद काफी कैंडिडेट हैं, 5 कैंडिडेट तो ये हैं जिनका भी होल्ड कर दिया गया है, कैप्ट पेंडिंग है। रीजन यहाँ दे दिया गया है, जो पहला रोल नंबर है उनका एडमिट कार्ड रिक्वायर्ड है, उसके बाद ओबीसी दिल्ली सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है इंस्टेड ऑफ ओबीसी सेंट्रल, तो इस हिसाब से इनका भी ओबीसी दिल्ली सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। और ये 2 कैंडिडेट हैं जिनकी बीएड की डिग्री और मार्कशीट रिक्वायर्ड है, तो इनको समय दे दिया गया है कुछ और ये अपनी जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ये अपलोड कर सकते हैं 28 फरवरी 2019 से और 6 मार्च 2019 तक। अगर ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं तो इनका भी हो जाएगा सिलेक्शन। तो इसके बाद ये 4 कैंडिडेट और हैं जिनकी प्रमाणिकता की जांच होनी है, जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो इश्यूइंग अथॉरिटी के द्वारा जांचा जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा कि ये सही है या नहीं, इसका दिल्ली स्टेटस चेक किया जाएगा। जैसे ही ये भी क्लियर हो जाएगा तो इनको भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। 4 कैंडिडेट हैं ये, तो इस हिसाब से ये कुल पेंडिंग में 9 है, बाकी का रिजल्ट आ गया है। इन 9 पेंडिंग कैंडिडेट को छोड़ के बाकी के लिए इसका जो रिजल्ट है वो कर दिया गया है क्लोज। और क्वालिफाइड कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट एक प्रिपेयर कर दी गई है जो कि 1 साल के लिए वैलिड है, जो कि है 25/2/2020 तक। अगर इनमें से कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है तो वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट है उनको वो सीट दे दी जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, यही था एक रिजल्ट नोटिस। उसके बाद देख लेते हैं किस पोस्ट कोड की भर्ती की गई है रद्द। डेट हमेशा की तरह आज की ही है 26 फरवरी 2019। नोटिस देखिए, काइंड अटेंशन टू कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डाइटिशियन, पोस्ट कोड 10/18 इन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, GNCTD इज हेयर बाय इनवाइटेड। द वैकेंसी नोटिस फॉर सेट पोस्ट कोड इज हेयर बाय कैंसल्ड एज रिक्वेस्टेड बाय HNFW डिपार्टमेंट बाय देयर लेटर। नंबर ये है, डेट ये है, तो 26/11/2018 को ही इन्होंने बता दिया था कि हमें जरूरत नहीं है, हमारे लिए रिक्रूटमेंट मत करो, तो अब ये कैंसिल कर दिया गया है। मैं इसमें पोस्ट और बता देता हूँ कितनी है। तो ये पोस्ट कोड है अपना 10/18, तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है अपना 2/2018, इसमें हमें मिलेगी 10/18, ये है 10/18 असिस्टेंट डाइटिशियन की पोस्ट थी HNFW की तरफ से, और इसमें जो कुल पद थे 3, तो अब इनके लिए भर्ती नहीं होगी। तो ठीक है दोस्तों, आज की यही अपडेट थी जो D SSSB की तरफ से निकल के आई थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, इधर उधर से कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं कहीं से भी कुछ भी उठा के हम आपके लिए ले आए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है अपने इस चैनल पे। तो ठीक है, आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।